Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing the concept of guidance and counseling, in which I have already discussed the types, techniques, and approaches of counseling. This time, I am going to discuss some of the tools for providing guidance, in which this time I am going to discuss tools for measuring aptitude, achievement, and interest. Okay? So let's start. This lecture will be in bilingual mode and it must be useful for all of you. It is quite obvious. So first of all, हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपका कोर्स सिलेबस है या जनरली जो होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सिलेबस, उसमें जहाँ पे आता है भाई हमको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देनी है, तो हम कैसे जानेंगे कि स्टूडेंट पहले तो हम जाने क्या है, तो वो क्या सोचता है, उसके पास क्षमता कितनी है, वो कितना केपेबल है, तब तो हम उसको एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस दे पाएंगे. तो उसके लिए हमको कुछ उस पर टेस्ट एडमिनिस्टर करने होते हैं. तो जनरली कोर्सेज में इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी और एप्टीट्यूड और अचीवमेंट और इंटरेस्ट, ये पूछा जाता है. तो जिसमें से इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी की बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे ना. एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ लिया है हाउ टू मेजर इंटेलिजेंस, हाउ टू मेजर पर्सनैलिटी एंड हाउ टू मेजर क्रिएटिविटी. सो उसको मैं पिकअप नहीं कर रही हूँ, मैं वो ले रही हूँ जो मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया है. तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कि गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए जो टूल्स की जरूरत पड़ती है वो सारा हो जाएगा. अचीवमेंट, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड यहाँ शेयर कर ले रहे हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी आप जानते हैं. ठीक है, तो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं. सबसे पहली बात तो यही कि हिंदी में तो टर्म्स अलग अलग हैं, पर इंग्लिश में जो ये नाम है एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, ये मिलते जुलते हैं और कई बार तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या. पहले तो आप कंसेप्ट समझिए कि एप्टीट्यूड क्या है और एटीट्यूड क्या है. हिंदी के नाम इनके एप्टीट्यूड का अभिक्षमता है और एटीट्यूड का अभिवृत्ति है. तो हिंदी में तो क्लियर है कि अभिक्षमता का किसी क्षमता से मतलब है. तो अभी एप्टीट्यूड है क्या, एप्टीट्यूड का मतलब कि हमारे अंदर क्या क्षमता है कि अगर हमको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर हमको ट्रेनिंग मिले, तो हम पर्टिकुलर वोकेशन में अच्छा कर सकते हैं. ये एप्टीट्यूड है, ये एक आपका खास गुण है कि आपके अंदर है, आपके अंदर एबिलिटी है. आपको अगर हम मोटिवेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, तो आप बढ़िया कर लेंगे. और एटीट्यूड क्या है, अभिवृत्ति. साधारण तौर पर देखिए तो नजरिया आप कह सकते हैं, या आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए, पर्टिकुलर थिंग के लिए कैसे सोचते हैं, ये एटीट्यूड है. जैसे कि मान लीजिए कोई भी फील्ड है, मान लीजिए बैंकिंग है, तो हमारा एटीट्यूड ही नहीं अच्छा उसके लिए, नहीं नहीं वो जॉब अच्छी नहीं है, बहुत उसमें काम है, बहुत वो मतलब उसमें माइन्यूट सी भी डिफरेंस हो जाए, अंतर हो जाए, दिक्कत होती है, तो एटीट्यूड ही गड़बड़ है. तो ये या एटीट्यूड अच्छा है तो नजरिया हमारा कैसा है. तो एटीट्यूड नजरिया है और एप्टीट्यूड क्षमता है, हिंदी में अभिक्षमता या अभिवृत्ति. ओके, तो एप्टीट्यूड में भी डिफाइंड एज अ ट्रेट दैट कैरेक्टराइजेज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन ए स्पेसिफिक एरिया और टू एक्वायर द लर्निंग नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस इन ए गिवन एरिया. माने ये कि ऐसा गुण है, इसको परिभाषित किया जा सकता है कि इस प्रकार का गुण है जो व्यक्ति की योग्यता का मतलब विशेषता बताता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अगर उसको उसके लिए पर्टिकुलर लर्निंग दी जाए, उसको 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 एक्सपीरियंस दिया जाए. तो इट प्रिज्यूम्स एन इनहेरेंट और नेचुरल एबिलिटी, यानी कि ये नेचुरली आपके अंदर है कि आपके अंदर पर्टिकुलर फील्ड के लिए एप्टीट्यूड बढ़िया है. टू बी डेवलप्ड टू इट्स मैक्सिमम थ्रू लर्निंग और अदर एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर वो क्षमता है, हम अगर आपको अधिगम उसके लिए लर्निंग प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग दें, तो आप बढ़िया कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें. एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन एंड मेजर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड स्किल्स टू एक्वायर थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग, यानी कि ये अभिक्षमता के परीक्षण में हम ये नापते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति की उस योग्यता और कौशल का मापन करते हैं कि अगर उसको स्किल्स दी जाएंगी, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फ्यूचर में वो बढ़िया कर सकता है उसमें. ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में पोटेंशियली बी यूज बाई काउंसलर्स एंड अदर्स. एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या कर सकता है ये, दे मे आइडेंटिफाई पोटेंशियल एबिलिटीज ऑफ विच द इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर. मतलब हो सकता है कि हमको पता ही ना हो कि हमारे अंदर पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए बढ़िया एप्टीट्यूड है, तो वो टेस्ट से आप अवेयर करा सकते हैं काउंसिली को भी, जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, उसको ना पता हो कि उसके अंदर ये क्षमता है.
दे मे इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल और पोटेंशियल एबिलिटीज ऑफ ए गिवन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेष जो योग्यताएं हैं उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट के आंकड़ों के आधार पर। दे मे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट एन इंडिविजुअल इन मेकिंग एजुकेशनल एंड करियर डिसीजन, हमको पता चल जाएगा कि हमारा एप्टीट्यूड किस फील्ड के लिए बढ़िया है, तो हम आप मतलब गाइडेंस काउंसलिंग देने वाला बता सकता है कि एजुकेशनल और करियर गाइडेंस आप किस में किस फील्ड को चुन सकते हैं। और दे मे सर्व एज एन एड इन प्रेडिक्टिंग द लेवल ऑफ एकेडमिक और वोकेशनल सक्सेस एन इंडिविजुअल माइट एंटिसिपेट किसी पर्टिकुलर फील्ड की एकेडमिक, मतलब हम क्या ले लें, साइंस ले लें, आर्ट्स ले लें, कॉमर्स ले लें, या हम कौन सा वोकेशन चुन लें, हम इसमें थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि अगर आप ये ले लेंगे तो इसमें अच्छा करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू हैव एप्टीट्यूड फॉर पर्टिकुलर फील्ड। ओके, एंड दे मे बी यूजफुल इन ग्रुपिंग इंडिविजुअल्स विद सिमिलर एप्टीट्यूड्स फॉर डेवलपमेंटल एंड अदर एजुकेशनल पर्पसेस। और ये इसमें भी सहायक हो सकता है कि हमको पता चल जाए कि पर्टिकुलर बच्चों का एप्टीट्यूड सेम है, सिमिलर है, तो हम उनका एक समूह बना के उनको एक तरीके से उनको विकास और शैक्षिक उद्देश्यों में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट। अब टाइप्स क्या है, बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे मतलब मेनली दो तरीके के हो सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इसको दो समूहों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से, मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो नाम ही बता रहा है कि जो मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कई तरीके के एप्टीट्यूड साथ में जांचेगा और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट एक बार में एक। जैसे मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट आर दोज दैट इंटेंड टू मेजर वेरियस एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड, बहुत तरीके के एरिया के एप्टीट्यूड ये जांचेगा, जैसे म्यूजिकल एप्टीट्यूड है कि नहीं, मैकेनिकल है कि नहीं, इस तरीके का, ईच बाय इंडिपेंडेंट सब टेस्ट, यानी कि उस एक मेन टेस्ट में कुछ सब टेस्ट होंगे। वेयर एज द स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर ओनली वन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड लाइक टीचिंग, म्यूजिकल एटसेट्रा, जबकि जो आपका स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो एक बार में एक विशेष अभिक्षमता की नाप मापन करता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए जो हमारा ये बीएड के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं या आपके नेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, उनमें सब में टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न पत्र होता है, ताकि पता चले कि व्यक्ति टीचर बनने जा रहा है तो उसमें टीचिंग के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं, है ना। फिर स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट यूजुअली रिफर टू दोज दैट सीक टू मेजर एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल एबिलिटी टू परफॉर्म और टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जब हम स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट लगाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी विशेष ऑक्यूपेशन, जॉब या वोकेशन के लिए आप में एप्टीट्यूड है कि नहीं। टेस्ट दैट मेजर स्पेशल एप्टीट्यूड आर समटाइम्स कॉल्ड सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट, कभी कभी इनको सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि एक बार में एक ही नापते हैं ये एप्टीट्यूड। काउंसलर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू मेजर अ सिंगल एप्टीट्यूड इन द एरियाज ऑफ मैकेनिकल, क्लरिकल और आर्टिस्टिक एबिलिटीज, और जो काउंसलर होते हैं वो जनरली मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करते हैं एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड नापने के लिए। फिर और भी हो सकते हैं, जैसे वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरीज, देखिए जब कई टेस्ट का संयोजन जिसमें होता है उसको बैटरी कहते हैं, जैसे भाटिया बैटरी बहुत फेमस है ना, जानते होंगे आप लोग, नाम सुना होगा, क्यों भाटिया बैटरी क्यों नाम है उसका, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब टेस्ट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब टेस्ट में बैटरी का क्या मतलब होगा, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं ना, ये डेफिनेशन मैंने 8th 9th 9th क्लास में पढ़ी थी, पता नहीं किस क्लास में पढ़ी थी, लेकिन ये आज तक ऐसे ही याद है, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो उसी तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे टेस्टों के संयोजन से जो टेस्ट बनेगा वो बैटरी कहलाएगा, उसके अंदर बहुत सारे सब टेस्ट होंगे, ये इसकी इसका की फैक्टर है। तो मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सब टेस्ट दैट रिलेट इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस टू अ सीरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस और ऑक्यूपेशनली रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी हो सकता है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड बैटरी, द फ्लैनिगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो आप इनका नाम जानिए। फिर स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, वो टेस्ट जो कि स्कॉलेस्टिक क्षमता नापेगा कि व्यक्ति को अगर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे वो एक्सेल कर सकता है कि नहीं, है ना। वंस पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग इन एकेडमिक सिचुएशंस, यानी शैक्षणिक स्थिति में वो इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म करेगा इसको नापने के लिए। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, हमने एप्टीट्यूड टेस्ट लगा दिया स्टूडेंट का, हमको पता चल गया उसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड है या म्यूजिकल है या एकेडमिक है, तो हम उसको उसी दिशा में उसको एजुकेशनल गाइडेंस दे देंगे कि आप उस दिशा में काम करिए, वो क्षेत्र अपना लीजिए, तो हम एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बना सकते हैं एप्टीट्यूड से कि अगर आप, क्यों, क्योंकि इसका डेफिनेशन यही है कि आप में वो क्षमता है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आप उसमें बढ़िया करेंगे, ठीक है, यही मतलब है इसका। फिर अचीवमेंट टेस्ट,
अचीवमेंट टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू स्टूडेंट्स टू मेजर देयर लर्निंग आउटकम. अचीवमेंट टेस्ट क्या है? उपलब्धि परीक्षण. तो उपलब्धि परीक्षण जनरली जो हम स्कूल कंडीशन में, स्कूल कॉलेजेस में टीचर जो टेस्ट लेता है स्टूडेंट का, वो अचीवमेंट टेस्ट ही होता है. इसका मतलब क्या है? इसका इसका मेन थीम क्या है कि बच्चे ने क्या सीखा है, हम उसका लर्निंग आउटकम मेजर करना चाहते हैं. दीज टेस्ट शो व्हाट हैज बीन लर्न बाय द स्टूडेंट, है ना, बच्चे ने क्या सीखा है, रादर देन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस. इसमें हम फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि आपको जो पढ़ाया गया, जो आपने कवर किया कोर्स, उसमें आपने कितना सीखा, एज इन द केस ऑफ एप्टीट्यूड. यानी एप्टीट्यूड फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस बताता है, जबकि अचीवमेंट ये बताता है कि आपने कितना सीख लिया है. दीज टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन स्कूल सब्जेक्ट्स. ऑल यूनिट सेमेस्टर एंड टर्मिनल एग्जामिनेशन टेस्ट आर नथिंग बट अचीवमेंट. यानी कि विद्यालयी दशाओं में जितने भी हम लोगों को परीक्षण हम लोगों को करने होते हैं, वो सब उपलब्धि परीक्षण होते हैं. These tests focus on skills or abilities that are traditionally taught in the schools. Therefore, achievement tests may be defined as tools designed to measure the degree of student learning in specific curriculum areas common to most schools, such as mathematics, English usage. ठीक है? तो ये कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, है ना. यानी कि हमने बस हम क्लास में गए, हमने कहा कि हमको सरप्राइज टेस्ट लेना है, तो वो टीचर मेड टेस्ट हो गया. और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण भी बनाए गए हैं, जिसमें आप मतलब उनमें नॉर्म्स होंगे, उनका एज नॉर्म होगा, ग्रेड नॉर्म होगा, उससे आप पीयर ग्रुप से तुलना कर सकते हैं कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है. तो अचीवमेंट टेस्ट आर यूज्ड एज लर्निंग मेजर्स ऑफ, हम क्या नापेंगे उपलब्धि परीक्षण में, द अमाउंट ऑफ लर्निंग, कितना सीखा है, द रेट ऑफ लर्निंग, किस गति से सीख रहा है, कंपैरिजन विद अदर्स और विद द अचीवमेंट ऑफ सेल्फ इन अदर एरियाज. या तो आप अपना दूसरे विषयों से तुलना करके देख लीजिए कैसा कर रहे हैं, या आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तुलना हो जाएगी आपकी. लेवल ऑफ लर्निंग इन सब एरियाज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन ए सब्जेक्ट मैटर एरिया, ना पता चल जाएगा कि किस विषय में आप अच्छा कर रहे हैं, किस में खराब कर रहे हैं. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसमें आता है. तो ये सब अचीवमेंट टेस्ट की बात हो गई. फिर इसके टाइप्स, इसमें भी जनरल अचीवमेंट टेस्ट है और स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट है. तो जनरल अचीवमेंट टेस्ट अटेम्प्ट्स टू मेजर द जनरल एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस, व्हिच इंक्लूड्स द कॉमन सब्जेक्ट एरियाज टॉट एट द स्कूल इन ए पर्टिकुलर क्लास. यानी कि जनरली वो नाप रहा है सारे विषयों में आपने कैसा किया है, और स्पेशल जब आ जाएगा तो सेलेक्टेड एरियाज हो जाएंगे इसके, कि हम चुन लेंगे कि इसी एरिया में हमको अचीवमेंट टेस्ट करना है. ये मुख्यतः दो तरीके के होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड दी स्टैंडर्डाइज्ड समेटिव अचीवमेंट टेस्ट. तो डायग्नोस करना, बारह हम लोग डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग, ये बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है टीचिंग लर्निंग की. तो डायग्नोस्टिक में क्या किया जाता है, डायग्नोस्टिक में हम जांचते हैं वो एरियाज जहां स्टूडेंट वीकनेस शो करता है, वीकनेस है उसको, या यूज टू डिटरमाइन द एरियाज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स. पता चल जाए कि बच्चे को कहां परेशानी हो रही है, और उसके लिए आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, यानी उसका उपचार करते हैं. और स्टैंडर्डाइज्ड समेटिव अचीवमेंट टेस्ट में, यानी कि जो समेटिव अचीवमेंट टेस्ट है उसी को अगर स्टैंडर्डाइज कर दें, तो वो ये बता पाएगा कि बच्चा दूसरे ग्रेड में जाएगा कि नहीं. हम लोग ये फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट में जानते हैं, दूसरे क्लास में जाएगा कि नहीं, है ना. फिर इसके टाइप्स बहुत तरीके के हैं, इसलिए सबके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, बस नाम जानिए कि ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं. जैसे कैलिफोर्निया अचीवमेंट टेस्ट है, कैट बोलते हैं इसको, सीएटी, मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट, मैट, उसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ बेसिक स्किल्स, सीक्वेंशियल टेस्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, बहुत सारे. तो कुछ भारतीयों ने भी भारतीय दशाओं में अनुकूलित करते हुए, अडेप्ट करते हुए कुछ जो परीक्षण है उनका मानकीकरण किया है, जैसे कि CIE हिंदी योग्यता परीक्षा फॉर क्लास 7th, मदर टंग टेस्ट हिंदी में है बी के श्रीवास्तव का, कोयम्बटूर अचीवमेंट टेस्ट सोशल साइंस में है आर के मिशन का, इस तरीके से. तो ये अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत क्या है, ये जानने के लिए कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या लर्निंग आउटकम उसने प्राप्त किया है, उसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट लगाएंगे. पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशन क्या है कि स्कोर्स इन द अचीवमेंट टेस्ट मे नॉट बी द एग्जैक्ट मेजर ऑफ अचीवमेंट इन द कंसर्न फील्ड एज द असेसमेंट इज सब्जेक्टिव. क्योंकि हम इसमें सब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर है आपका, तो उसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है, किसने कैसा क्वेश्चन बनाया है, कौन कैसे मार्किंग करता है, कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, कोई जनरल मार्किंग करता है. तो सारी बातें इसको वीक बना देती हैं. इसमें सीमाएं हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत अच्छा है, और अच्छा नहीं परफॉर्म किया है तो उसकी लर्निंग कम है. ठीक है. फिर मैनी फैक्टर्स सच एज स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाया गया स्टूडेंट को, कंप्लीशन ऑफ द करिकुलम, कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं, बिना कंप्लीट हुए आप पूछ लेंगे तो स्टूडेंट खराब ही परफॉर्म करेगा. टेस्टिंग कंडीशन, किन दशाओं में परीक्षण लिया जा रहा था, प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट को बताया था कि नहीं कि टेस्ट लेने जा रहे हैं, मतलब जो जनरल स्टूडेंट वो तो तभी पढ़ेगा जब उसको बताएंगे आप. फिर प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट, उनको कितनी प्रैक्टिस है टेस्ट देने की, ये सब स्टूडेंट के अचीवमेंट को इफेक्ट करते हैं. फिर अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स मे डिफर इन सिमिलर टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. और कई बार बच्चों के स्कोर, विद्यार्थियों के स्कोर एक तरीके के अचीवमेंट टेस्ट में भी अलग अलग आ सकते हैं. तो ये सब इसकी सीमाएं हैं.
इंटरेस्ट रह गया, अब हम नापने जा रहे हैं रुचि। तो अभी क्षमता भी है, अभी वृत्ति भी है और अभी रुचि भी है। तो अभी रुचि क्या है, रुचि की क्या जरूरत पड़ गई कि इंटरेस्ट इज ए बिहेवियर ओरिएंटेशन, ये हमारे व्यवहार का एक ओरिएंटेशन है कि हम किन चीजों में, किन टास्क में, किन कंसेप्ट्स में हमारी रुचि है। टुवर्ड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, वस्तुओं के लिए हो सकता है, क्रियाओं के लिए हो सकता है, अनुभवों के लिए हो सकता है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम किसको किसको पसंद करते हैं, किसको हम पसंद नहीं करते हैं, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किससे हमको करने का मन नहीं करता है। तो इंटरेस्ट्स आर रिलेटेड टू जनरल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड्स एंड Use in various ways. तो ये हमारी सामान्य योग्यता से जुड़ा है, हमारी विशेष अभिक्षमताओं से जुड़ा है और कई बार हमारे मूल्यों से भी जुड़ा हुआ इंटरेस्ट। लिंग्विस्टिक एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इंटेलिजेंस, जबकि भाषाई और वैज्ञानिक जो रुचियां होती हैं वो जनरली इंटेलिजेंस से पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी कि अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो लिंग्विस्टिक और साइंटिफिक कंसेप्ट्स में आपको इंटरेस्ट होगा। तो हमको इंटरेस्ट भी नापना पड़ता है। कैसे कैसे नाप सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन से, आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं कि उसका किस एरिया में इंटरेस्ट है। या क्लेम्स ऑफ द काउंसलिंग, काउंसलिंग आपको खुद आके बताया कि मेरा इस एरिया में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, इस तरीके से। या यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम उसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट से भी पता कर सकते हैं, जैसे कि मिशिगन वोकैबुलरी टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपका पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है तो आपको उस एरिया की सबसे ज्यादा वोकैब पता होगी, ये एक जनरल तरीका है। फिर यूज ऑफ इन्वेंटरीज, इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इन्वेंटरी से ही नापा जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट इन्वेंटरी साथ में बोला जाता है। तो क्या है इन्वेंटरी, वी मे डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट फ्रॉम हिज और हर रिस्पॉन्सेज टू लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड एक्टिविटीज, यानी कि हमको किसी व्यक्ति की रुचि के बारे में इस तरह से पता चल सकता है कि हम उसके रिस्पॉन्स देख लें कि वो किस ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी के लिए क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चनियर के जैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम करते क्या है कि इन्वेंटरीज हैव बीन मोस्टली यूज्ड फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंटरेस्ट वैल्यूज एंड एडजस्टमेंट। इन्वेंटरी से क्या क्या नाप सकते हैं, आप व्यक्तित्व का कोई गुण नाप सकते हैं, उसकी रुचि के बारे में पता लगा सकते हैं, वो क्या मूल्य है उसके, ये सब, यानी कि इफेक्टिव डोमेन का पता इन्वेंटरी से लगाया जा सकता है, किस तरीके का भाव किस वस्तु के लिए हमारे पास है। तो इंटरेस्ट इन्वेंटरीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस व्हिच आर मोर स्टेबल देन द वर्बली क्लेम्ड इंटरेस्ट। देखिए वर्बली क्लेम हमने आज कहा हमको इसमें रुचि है, कल हम कह रहे हैं हमको इसमें रुचि है, तो उससे ज्यादा ये आप कह सकते हैं कि रिलायबल है इन्वेंटरी। तो इसमें करते क्या है, इसमें क्या करते हैं कि फोर्थ ट्रायड, यानी कि तीन आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको चुनना ही होता है कि उनमें से किसी ना किसी को आप चुनेंगे, तो आपको उसमें प्रेफरेंस देनी होती है कि हमने आपको तीन ऑक्यूपेशन दे दिए, इसमें से आप बताइए सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, सबसे कम कौन सा पसंद है और बीच में क्या है। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि व्यक्ति की रुचि किसमें है। तो कूडर इंटरेस्ट इन्वेंटरी सबसे ज्यादा फेमस है, उसके भी कई टाइप है, जैसे कूडर वोकेशनल प्रेफरेंस रिकॉर्ड, कूडर जनरल इंटरेस्ट सर्वे, कूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी। उसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक SVIB, ये भी बहुत पॉपुलर है इंटरेस्ट के फील्ड में। तो इसमें यही पूछते हैं कि क्या मतलब किस व्यवसाय के लिए क्या रुचि है और इस किस अजम्पशन पे बना है, दैट ए पर्सन हु हैज द इंटरेस्ट पैटर्न्स टिपिकल ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन ए गिवन ऑक्यूपेशन विल एंजॉय एंड फाइंड सक्सेसफुल सेटिस्फैक्शन इन दैट ऑक्यूपेशन। मतलब इसमें क्या चेक करते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनके जो इंटरेस्ट के पैटर्न हैं उनसे अगर आपका इंटरेस्ट पैटर्न मिलता जुलता है तो आप पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा करेंगे, इस अजम्पशन पे ये बनाया गया है। और कूडर इंटरेस्ट इन्वेंटरी में फोर्स्ड चॉइस ट्रायड है, यानी कि तीन ऑप्शन में से एक दो तीन आपको चुनना है। इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है कि वेल अडेप्टेड है, बढ़िया है, एक काउंसलर को पता चल जाता है, बढ़िया उसको थोड़ा रिलायबल पता चल जाता है इन्वेंटरी से, और काउंसलिंग को भी पता चल जाता है, इकोनॉमिकल भी है, ग्रुप में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और आपको प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन एक ग्रुप के लिए अच्छी मिल जाती है। पर कुछ कमियां भी हैं क्योंकि कई बार हम लोग को दिक्कत होती है बताने में कि अब किसको अच्छा बताएं किसको खराब बताएं, समझ नहीं पा रहे हैं तो हमको रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाते हैं ठीक से। या मेच्योर व्यक्ति के साथ ही आप ये टेस्ट लगा सकते हैं, इमेच्योर लोगों के संग या छोटे बच्चों के संग नहीं लग सकता है। और इस टेस्ट को बहुत ओवर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, रुचि जो है उसका जो सम्मिश्रण है वो योग्यता प्रशिक्षण और अवसरों से ही बनता है। तो रुचि का टेस्ट सिर्फ लगा के हम ये नहीं बता सकते कि व्यक्ति को किस ऑक्यूपेशन में जाना पड़ेगा, उसके साथ में हमको एप्टीट्यूड अचीव और ये सारे भी ट्रेनिंग और ये सारे टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से गाइडेंस के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी ये मैंने कवर कर लिया आपसे, क्योंकि इंटरेस्ट पर्सनैलिटी क्रिएटिविटी आप जानते हैं, एप्टीट्यूड अचीवमेंट और इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन स्टूडेंट्स को दे सकते हैं इन टेस्ट की सहायता से।
Okay, so in this way, I have covered this very much topic too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.